नमस्कार, दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरदार में खबरों को जरा खबरदार के ही लेंस से देख लेते हैं और आपको बताते हैं कि आज हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। आपने आम तौर पर देखा होगा कि दो देशों के बीच इस तरह की चीज होती है कि एक देश कहे कि हमारे नागरिकों को हम एडवाइजरी जारी करते हैं कि आप दूसरे देश घूमने न जाएं। लेकिन इस तरह की एडवाइजरी में सावधानी बरतने, सुरक्षित रहने की सलाह होती है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि भारत का ही एक राज्य अपने लोगों को एडवाइजरी जारी करके कहेगा कि वो दूसरे पड़ोसी राज्य में न जाएं। असम और मिजोरम के बीच का तनाव दो दुश्मन देशों के तनाव जैसा हो गया है। इस तनाव पर आज तक की नई ग्राउंड रिपोर्ट थोड़ी देर में आपके सामने होगी। जम्मू कश्मीर की सीमा में एक बार फिर पाकिस्तान के संदिग्ध ड्रोन देखे गए। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ने से सुरक्षा एजेंसियों की चुनौतियां बढ़ गई हैं। ऐसे खुफिया इनपुट्स भी मिले हैं कि जैश ए मोहम्मद और लश्करे तैयबा जम्मू के मंदिरों को निशाना बना सकते हैं। अनुच्छेद 370 के खात्मे की तारीख 5 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस आतंकियों के टेरर प्लान में शामिल है। इस खतरे से आपको खबरदार करेंगे। इसके बाद तिब्बतियों को भारत से भिड़ाने वाले चाइनीज गेम प्लान को डिकोड करेंगे। चीनी सेना को हर तिब्बती परिवार से एक सैनिक चाहिए और इनकी तैनाती एलएसी पर होगी। तिब्बती युवाओं का स्वामी भक्ति टेस्ट लिया जा रहा है। आज का ट्रेंडिंग वीडियो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर का है, जहां ऐसा भयानक भूस्खलन हुआ कि पहाड़ में दरार पड़ गई और चट्टाने टूट टूट कर गिरने लगी। नेशनल हाईवे 707 का एक हिस्सा खाई में समा गया। जो लोग इन इलाकों में यात्रा कर रहे हैं या वहां जाने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें ज्यादा खबरदार रहने की जरूरत है। और शुरुआत में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। भारत की बेटियां देश की मेडल वाली उम्मीदों को नई उड़ान दे रही हैं। टोक्यो ओलंपिक में आज का दिन भारत के लिए दो अच्छी खबरें लाया। महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं की 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही भारत का एक और मेडल पक्का हो गया है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। अब वो मेडल से सिर्फ एक मैच दूर है, जबकि मीराबाई चानू पहले ही वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीत चुकी है। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट आज आ गए और इस बार 99.37% यानी लगभग सारे के सारे स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ पास प्रतिशत है। 0.47% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई है और बाकी के स्टूडेंट्स का रिजल्ट 5 अगस्त को आएगा। इस बार 99.67% छात्राएं पास हो गई हैं, जबकि 99.13% छात्र पास हुए हैं। यानी जरा सा फर्क है, लेकिन लड़कियां आगे।